इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज या मशरूम चैम्बर्स बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कोल्ड स्टोरेज हो या मशरूम प्लांट, चैम्बर्स बनाने का तरीका एक ही होता है। इन चैम्बर्स को रैक लगाकर मशरूम ग्रोइंग चैम्बर्स के काम में ले सकते हैं या चाहे तो कोल्ड स्टोर चैम्बर्स भी बना सकते हैं। आज हम जानेंगे टेम्परेचर कंट्रोल चैम्बर्स बनाने का तरीका। पहले चरण में स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस पर शेड लगाए जाते हैं, उसके अंदर मशरूम चैम्बर्स बनाए जाते हैं। ये चैम्बर्स इस शेड के नीचे आते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में पूरी दीवारें पैनल्स की ही बनाई जाती हैं, मगर इस प्रोजेक्ट में चैम्बर्स की दीवारों को 3 फीट तक ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। दूसरे चरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 65 व 80 mm के पैनल से दीवारें बनाई जा रही हैं। इंटरलॉकिंग जॉइंट्स के कारण ये दीवारें चटपट शेप लेने लगती हैं। प्रोंटो की बेहतरीन तकनीक के कारण कैमलॉक्स की आवश्यकता नहीं होती। कैमलॉक थर्मल ब्रिजिंग बनाकर इंसुलेशन को खराब करता है। प्रोंटो के इंटरलॉकिंग ज्वाइंट्स थर्मल ब्रिजिंग को रोक कर इंसुलेशन बनाए रखते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि चैम्बर्स के निर्माण में स्टील स्ट्रक्चर को काम में नहीं लिया जाता है। पैनल्स काफी मजबूत होते हैं, जिसके कारण लोहे के स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें दरवाजों की जगह छोड़ दी गई है। प्रोंटो पैनल्स इतने लाइट वेट होते हैं कि 2-3 लोग मिलकर इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 6+6 यानी 12 चैम्बर्स बनाए गए हैं, जिसमें के 50x30 के 6 चैम्बर्स एक तरफ और 6 चैम्बर्स दूसरी तरफ बनाए गए हैं। बीच में एक गैलरी है जिसमें सारे 12 चैम्बर्स के डोर्स खुल सकते हैं। दीवारें लग चुकी हैं और प्रोंटो वॉल पैनल्स के साथ छत बनाई जा रही है। कोल्ड स्टोरेज व मशरूम के लिए छत वॉल पैनल से बनाई जाती है, जो कि टी सेक्शन की मदद से लगाई जाती है। क्योंकि ये मशरूम प्लांट है, आप देख सकते हैं रैक लगाने का काम शुरू हो चुका है। इस प्रकार के मशरूम व कोल्ड स्टोरेज प्लांट में वेदर इंपैक्ट बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें हाई मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना होता है। जहां एक तरफ इन पैनल्स को हाई मॉइस्चर व लो टेम्परेचर इंपैक्ट सहना पड़ता है, वहीं बाहर की तरफ दीवारों को वेदर की मार झेलनी पड़ती है। इसीलिए जरूरत पड़ती है प्रोंटो की वेदर शील्ड एज प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी की। इसी के साथ प्रोंटो में आपको मिलता है हाई क्वालिटी टॉप पेंट व बेस कोट, जो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। दिखने में तो मिलते जुलते पैनल्स समान दिखते हैं, पर क्वालिटी और फीचर्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से पैनल्स पर ही निर्भर होते हैं। प्रोजेक्ट्स कॉस्ट का बड़ा हिस्सा इन पैनल्स पर ही खर्च होता है। ऐसे में यदि आपने साधारण पैनल्स का प्रयोग किया तो नुकसान निश्चित है, क्योंकि ये एक मशरूम प्लांट है। इसमें रैक्स में ग्रो बैग्स लगाकर मशरूम उगाए जाएंगे। इसके बाद चैम्बर्स के डोर्स लगाए जाते हैं व रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो इस तरह से बनते हैं मशरूम व कोल्ड स्टोरेज प्लांट। चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मशरूम कैसे उगाए जाते हैं। मशरूम ग्रोइंग के लिए अंधेरा रखा जाता है। हमने जो पहले रैक्स देखी थी, उनमें ग्रो बैग्स लगाकर मशरूम उगाने शुरू हो चुके हैं। अब आप अपने कोल्ड स्टोरेज व मशरूम चैम्बर्स के लिए किस पैनल का प्रयोग करेंगे, फैसला आपका।